हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम शूट कर रहे हैं चांद रात ब्लॉग। जी हाँ, आज की चांद रात है और कल की ईद है। तो आप सभी को चांद मुबारक हो। और आप लोगों ने कैसी कैसी तैयारियां की हैं आप लोग जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और आज जो भी हमने सिंपल सी तैयारियां की हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। होप यू लाइक। अगर आपको अच्छा लगे आज का वीडियो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं। और देखो शकल की क्या बैंड बजी पड़ी है आज सुबह से, बहुत ज़्यादा काम। और अब तो पसीने में बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप लोग बताना आपकी तरफ वेदर कैसा है, उधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पसीने और ये पिंपल्स बहुत ज़्यादा। और कुछ भी अपने स्किन अच्छे से प्रेप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इवन मैं सोच रही थी कि ब्लीच लगा लूं, बट वो भी नहीं लगा पाए काम के चक्कर में। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या करते। पहले हम क्या करेंगे, ये है मूंग की दाल छिलकों वाली और बिना छिलकों वाली। तो हम इन दोनों को धो के अच्छे से भिगो देंगे, क्योंकि जो बिना छिलके के उसके हम दही बड़े बनाएंगे और जो छिलके वाली है उसके हम मंगौड़े बनाएंगे सुबह मॉर्निंग में। तो हमें ये भिगी हुई चाहिए। और छोले भी मैंने भिगो दिए हैं, इसको हम सब्जी बनाएंगे। तो अच्छे से बना भिगो के रख देंगे। तो चलो अब पी लेते हैं हम चाय अपनी। और फिर उसके बाद ये है इमली। इमली को मैंने सुबह ही सोख करके रख दिया था और ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ठीक है, अब हमने इसको छन्नी की हेल्प से इसका जितना भी कचरा होता है उन सबको अच्छे से निकाल देंगे। और एक्स्ट्रैक्ट को हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। इसकी हम बनाएँ चटनी, खट्टी चटनी, बहुत अच्छी लगती है इसकी खट्टी मीठी चटनी। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक पैन में ऑयल डालेंगे, फिर उसमें जीरा डालेंगे थोड़ा सा, फिर हम अपनी इमली का पल्प जितना भी हमने इकट्ठा किया है वो डाल देंगे। देन उसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, आपको जितना मीठा चाहिए आप उतना डाल सकते हो। और मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मिर्च। देन उसके बाद थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और इन सबको अच्छे तरीके से मिला देंगे। और इसको हम अच्छे से कद्दू होने तक थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसमें उबाल आ गया है तो ये थोड़ी देर और पकेगी। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च ताकि ये अच्छे से थोड़ी सी थिक हो जाए। कॉर्न स्टार्च से क्या होता है कि ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। हम पानी में घोल के उसको डाल देंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। देन उसके बाद अच्छे तरीके से ये 5 से 7 मिनट तक पकेगी। फिर हम उसमें ऐड करेंगे सम ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं और थोड़े से छुहारे ऐड किए हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो इसमें डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। तो इससे ना इसकी थिकनेस भी अच्छी हो जाती है दिखने में भी। तो ये अजर के लिए ड्रेस निकाली है, ये सिंपल सी टी शर्ट है एंड दिस पैंट। तो अजू ये पहन लेगा सुबह। एंड इफ्रा का ये सूट है, जम्प सूट एंड स्ट्रैप्स इसका नेक है। तो ये कुछ ऐसा है, बहुत प्यारा है। कल सुबह बच्चे जब पहनेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो यही मैंने ऊपर निकाल के रख दिए हैं, तो सुबह जल्दी से बस यहीं से निकाल के दे देंगे बच्चों को। और अब क्या करें, ऑलमोस्ट हमारा रूम भी ऑलमोस्ट क्लीन ही हो चुका है, सारा कुछ क्लीन कर दिया था। एंड फ्रिज हमने यहाँ रख दिया अपना रूम में, ख़राब हो गया था इसलिए इसको हमने यहाँ रख दिया है इसको। और इसी के ऊपर हमारा माइक्रोवेव रखा हुआ है, यहीं पर रख दिया है। जो हमारा प्लग सही हो जाएगा तो हम इसको निकाल के बाहर रख देंगे। ओके, तो बस स्किन केयर क्या करेंगे वो मैं क्या बताऊँ, बस सिंपल से ही कर लेंगे। तो ये है डर्मडॉक का, ये है डर्मडॉक का ब्लेमिस क्लींजिंग फेस टोनर। तो ये सैलिसिलिक एसिड के साथ है, तो ये पिंपल्स के लिए अच्छा है। तो ये टोनर भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, अगर आप कोई मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाना चाहते तो आपको नीड नहीं लगेगी। एंड काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। एंड नाइट में मैं ये वाली क्रीम अप्लाई करती हूँ, वीट ग्रैम नरिशिंग नाइट क्रैम। ये गुड वाइफ्स की है, काफ़ी अच्छी है एंड आपके फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है।
ये था सिंपल सा नाइट केयर एंड मेहंदी मिली नहीं तो हमने मेहंदी भी नहीं लगाई। हमने दो तीन शॉप पे देखा, किसी पे भी मेहंदी नहीं मिली तो इसलिए हमने मेहंदी भी नहीं लगाई। लग जाएगी बस, ये दोनों ऐसे ही लगते रहते हैं। मम्मी और ये वीडियो बन रही है और यहाँ पे हमारी पाई हो गई है, पाट 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 पाई हो गई। बस 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 काफी है ना, बहुत है जो नहीं लगेगी मेहंदी। मेहंदी मिली नहीं लगेगी कहाँ से। तो चलिए गाइस, यही था आज का वीडियो, होप यू लाइक दिस। तो प्लीज लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप सभी को ईद मुबारक हो, और ये थी आज की चांद रात की छोटी सी ब्लॉग जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना। चलिए बाय बाय, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना।